नमस्कार। ग्लोबल मास्टर हिप्नोटिज्म एंड मैग्नेटिज्म हीलिंग एकेडमी की ओर से मैं के हिलर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिप्नोटिज्म में टाइप ऑफ हिप्नोटिज्म, कितने प्रकार के हिप्नोटिज्म होते हैं। हिप्नोटिज्म वास्तव में देखा जाए तो तीन ही प्रकार के, लेकिन बहुत जगह उसे चार प्रकार, पांच प्रकार, फिर अलग अलग उसको नाम देकर अलग 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 उसकी ब्रांचेस निकालकर या उस कोर्स को तोड़कर फिर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो वास्तव में तीन प्रकार के हिप्नोटिज्म है। एक है सेल्फ हिप्नोटिज्म, जिसको हम स्व सम्मोहन कहते हैं, स्वयं के ऊपर ही सम्मोहन करना है। उसकी एक अलग मेथड है। बहुत बार स्व सम्मोहन होता नहीं है, कठिन होता है वो, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है इसमें बहुत सारे विचार चालू होते हैं और हमेशा विचार कंटिन्यूस मन में वो चलते रहते चलते रहते चलते रहते। जब आप स्व सम्मोहन के लिए जब जाते हो, यानी कि जब लेटते हो आप या चेयर पे बैठते हो, उस वक्त आप एक मेडिटेशन के अवस्था में जाने की कोशिश करते हो। और जब आप कोशिश करते हो, थोड़ी देर तक आपका ध्यान लगता ही नहीं कि कोई मन में विचार आ जाता है कि वो फलाना करना रह गया या ऐसा हो गया वैसा हो गया। जो भी हमारे दिन भरे में जो भी चल रहा है वो चीज हमारे दिमाग में आती रहती है और वो स्व सम्मोहन होता ही नहीं है। तो इसके एक टेक्निक है, विधि है, वो आपको सिखाई जाती है क्लास। दूसरा आता है हेट्रो, हेट्रो यानी कि दूसरे को करना। उसमें ही क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी जो होती है, क्योंकि देखो दूसरे को करना यानी क्लिनिकल में भी तो दूसरों को ही करोगे ना, स्वयं को तो करोगे नहीं। तो क्लिनिकल और हेट्रो जो बोला जाता है कि हेट्रो हेट्रो यानी क्लिनिकल और हेट्रो एक ही समझ के चलो। वहां पे उस दूसरे व्यक्ति पे हमें करना है यानी पर सम्मोहन, दूसरे को सम्मोहन करना है। तो इस क्लिनिकल में फियर, फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन और ऐसे बहुत सारी व्याधियां जो कि मानसिक रूप से आई हुई होती है, जिसका संक्रमक से कोई लेन देन नहीं है। हाँ, एक जरूर है कि संक्रमक अगर आपको कोई बीमारी होती है और उसके कारण अगर कोई मानसिक बीमारी पैदा होती है तो उस मानसिक का इलाज सम्मोहन से हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा टूल है, बहुत अच्छा टूल है। इसमें कोई मेडिसिन नहीं जाती है, कोई दवाई शरीर में जाती नहीं है, केवल शब्दों का प्रयोग है। शब्दों से ही उस व्यक्ति को ठीक किया जाता है। शब्द बाण होते हैं ये, क्योंकि आपको तो पता है कि शब्दों के बाण बहुत नुकीले होते हैं और बहुत ही जबरदस्त होते हैं। एक बंदूक की गोली चल जाएगी लेकिन शब्दों के बाण बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी कुछ एक शब्द बोले जाते हैं जिसे पावर वर्ड्स कहे जाते हैं। मैं पावर वर्ड्स का हर बार इस्तेमाल करता हूं। कुछ पावर वर्ड्स होते हैं, उस पावर वर्ड्स का इस्तेमाल करके उसके मस्तिष्क में जो हलचल चल रही है उस हलचल को कम किया जाता है। साथ ही उसे एक ट्रांस क्रिएट किया जाता है और ट्रांस क्रिएट करने के बाद जो भी उसकी समस्या है उस समस्या के अफर्मेशन वहां दिए जाते हैं। अब इसमें दो चीजें होती है। बहुत सारे व्यक्ति हिप्नोटाइज होते नहीं, तो लोग कहते हैं कि सर ये तो हिप्नोटाइज होगा ही नहीं, व्यक्ति तो हिप्नोटाइज होता ही नहीं है, बहुत सारे लोग तो होते ही नहीं है, ऐसे हमेशा बोलते हैं। ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर अगर कोई हुआ नहीं तो। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि कोई होता ही नहीं है, सभी लोग होते हैं। फर्क इतना है कि कुछ कुछ लोग लेट होते हैं, समय लेते हैं, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड जो है वो काफी तेज गति से चलते रहता है। वो हिप्नोटिस्ट के सामने बैठा रहेगा और मन में सोचेगा कि देखता हूं कैसे मुझे हिप्नोटाइज करता है ये। और हम अगर उसे कहे कि हाँ आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए, तो आंखें बंद करेगा, सांस लेगा और अंदर में स्वयं को ही कमांड देते रहेगा कि ये मुझे नहीं कर पाता, ये नहीं कर सकेगा, ऐसा कैसा करेगा। अब मैं जागने के बाद, यानी जागने के बाद कहने का मतलब जब वो आंखें खोलेगा उस वक्त मैं इसकी मजाक करूंगा, इसे बोलूंगा कि मैं तो हुआ ही नहीं। तो ऐसे लोगों को हिप्नोटाइज करना थोड़ा कठिन होता है। तो उसके लिए कुछ मेथड्स है और ये लोग इस टाइप के है या नहीं है देखने का भी एक पैमाना होता है। वो जब सब्जेक्ट अपने पास आता है उसी वक्त वो सारी चीज की जाती है और हिप्नोटिस्ट को समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति किस टाइप का है, क्या ये हिप्नोटाइज होगा या नहीं होगा, ये हमें कितना समय लगाएगा हिप्नोटाइज करने में। तो वो उसी वक्त पहचान लिया जाता है और वो पहचानना यही आपको इस क्लास में सिखाया जाता है। इसके बाद आता है आपका स्टेज हिप्नोटिज्म। स्टेज हिप्नोटिज्म में
ये फन के लिए किया जाता है, मनोरंजन के लिए किया जाता है, इसमें कुछ कलाकृतियां करके दिखाई जाती है, यानी कि सब्जेक्ट को ट्रांस में लेके जाते हैं और उनसे कुछ एक्ट करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें होती है। हम जो स्टेज शो देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बहुत आसान है और हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। स्टेज शो करते वक्त उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ होता है। जिस तरह एक फिल्म बनती है, हमें तो फिल्म दिखाई देती है पर्दे पे, लेकिन उस फिल्म के पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे उन्होंने मेहनत की होती है, उसके बाद हमें वो फिल्म दिखती है। ठीक उसी तरह स्टेज हिप्नोटिज्म में भी बहुत सारी चीजें उन्होंने पहले की होती है जो हमें समझ में नहीं आती है, जो दर्शकों को भी समझ में नहीं आती है, और वहां पर हम सीधा सीधा सिर्फ कार्यक्रम देखते हैं। तो ये किस तरह से होता है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है। मेरे पास एक व्यक्ति आया था झारखंड से, और उसने मेरी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं ली और सीधा गाड़ी पकड़ के आ गया। और जब आया तो उसने मुझे फोन किया स्टेशन से कि सर मैं फलाना फलाना व्यक्ति बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ आ चुका हूँ और मुझे आपके यहाँ स्टेज हिप्नोटिज्म सीखना है। तो मैंने कहा कि मैंने तो अभी आपसे बात भी नहीं की है, क्या मैं स्टेज हिप्नोटिज्म सिखाता हूँ और नहीं सिखाता हूँ। वो बोलने लगा, नहीं सर, हमने तो आपकी वीडियोज देखे हैं और हमें लगा कि हम चले जाएंगे सर के पास और तुरंत उनके पास जाके हमें तो बस हमें सीखना है सर। तो मैंने उसे बुला लिया मेरे यहाँ पर और फिर मैंने उसे कहा कि आपको स्टेज हिप्नोटिज्म सीखना है, आप क्लिनिकल क्यों नहीं सीखते, आप सेल्फ क्यों नहीं सीखते। तो कहने लगा, नहीं नहीं सर, इसमें कोई मतलब नहीं है, स्टेज हिप्नोटिज्म सीखने में बहुत मतलब है। मैंने बोला, क्या मतलब है? तो बोले, उससे मैं पैसे कमा सकता हूँ, मैं फलाना कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि आपको ये आइडिया कैसी आ गई? तो मैं बहुत सारे वीडियोज देखे, बहुत सारे लोगों के वीडियोज देखे, वो कैसे स्टेज हिप्नोटिज्म करते, फटाक से ऐसा कर देते हैं, कोई नाचता है, कोई ये करता है। कहने का मतलब वो यूट्यूब पे ये सारी चीजें देख के यहां पर आ गया, लेकिन उसने उसकी सच्चाई नहीं जानी। तो मैंने उसे कहा कि आप स्टेज हिप्नोटिज्म सीखना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टेज हिप्नोटिज्म सीखने के लिए मैं आपके कोई परीक्षा लूंगा और यदि आप उसमें पास हो जाते हो तो मैं आपको वो सारी चीजें बता दूंगा और उसका मैं 1 रुपया भी आपसे ले लूंगा। तो उत्साहित हो गया। मैंने कुछ ही नहीं किया, मैंने मेरे पड़ोस के कुछ लोगों को बुलाया और मेरे घर की जो फैमिली थी, मेरे घर के मेम्बर्स जो थे, उन सबको बुलाया, हॉल में बिठा दिया और उसको कहा कि बस आप अपना पूरा परिचय इनको अच्छे ढंग से दीजिएगा, आप कहाँ से हो, क्या हो, कैसे है, सारा परिचय आपको देना है और ये लोग आपसे अगर कुछ सवाल पूछते हैं तो आप उसका भी आप जवाब दीजिएगा। तो कहने लगा, नहीं सर, मैं इतने सारे लोगों को क्या बताऊँ, कैसे करूँ। मैंने कहा, प्रयास तो करके देखिए। तो उन्होंने वो प्रयास किया और वो प्रयास करते समय अपना नाम भी पूरी तरह से नहीं बता सका, ढंग से नहीं बता सका, कहाँ से क्या है। और मैंने मेरे घर के सभी सदस्यों को कह दिया था कि जब आप बैठोगे तो थोड़ा सा उनके तरफ एक टक ऐसा देखना, थोड़ा सा खुजाना, ऐसा करना, ऐसा करना, थोड़ा सा ऐसा एक्ट करना। तो उन्होंने वैसा ही किया और वो शर्माने लगा, उसको लगा कि यार मैं कुछ तो भी गलत कर रहा हूं। तो मैंने उसको यही कहा कि मेरे दोस्त, यही प्रॉब्लम है स्टेज हिप्नोटिज्म की, हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारा देते आना चाहिए, हम एक स्टेबल रहना चाहिए, हम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्टेज पे बात करती आनी चाहिए, तब कहीं जाके हम स्टेज हिप्नोटिज्म कर पाएंगे, क्योंकि वहां तो बहुत सारे लोग होंगे और उनके सामने हमको बोलना है। कोई कुछ भी, कोई हमारे तरफ किसी भी तरह से देख सकता है, कुछ भी कमेंट्स कर सकता है, हमें उसको नजरअंदाज करने की हमें क्षमता होनी चाहिए, तब कहीं जाके हम स्टेज हिप्नोटिज्म करेंगे। तो वो कहने लगा, नहीं सर, स्टेज हिप्नोटिज्म की बहुत सारे क्लासेस होते हैं, मैंने सोचा कि आप ही से सीखे। तो मैंने उनको यही कहा कि स्टेज हिप्नोटिज्म के क्लासेस होते हैं, जो लेते हैं वो लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्लासेस करने के बाद तुरंत ही आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप में कुछ ना कुछ पहले जज्बा होना जरूरी है। तो एक होता है स्टेज हिप्नोटिज्म, तो स्टेज हिप्नोटिज्म किस तरह से किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब तक के आप सेल्फ और एक क्लिनिकल नहीं कर पाते, तब तक आप स्टेज हिप्नोटिज्म नहीं कर पाते, क्योंकि स्टेज हिप्नोटिज्म करने के लिए आप में डेयरिंग होना जरूरी है, साथ ही आपको आई कांटेक्ट लोगों से करते आना चाहिए, आप बड़ी ही सफाई से बात कर अपनी बात रखते आना चाहिए, आपको बड़ी सफाई से आप लोगों से बोलते आना चाहिए, बड़े सफाई से वो कार्यक्रम भी आपको करते आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वो जब आप ये हिप्नोटिज्म सीख लेते हो तो स्टेज हिप्नोटिज्म अपने आप आ जाता है। और मैं आपको ये बता दूं कि स्टेज हिप्नोटिज्म सीखने के लिए
डायरेक्टली स्टेज हिप्नोटिज्म सीखना है ऐसा कभी नहीं होता है। सेल्फ, क्लिनिकल यानी हेट्रो और स्टेज, ये सारे एक ही वक्त में सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी सीखना है तो उसके लिए आपको 4 दिन लगाना है, फिर आपको सेल्फ हिप्नोटिज्म सीखना है तो 3 दिन का कोर्स अलग है, स्टेज हिप्नोटिज्म का 3 दिन का कोर्स अलग है, ऐसा नहीं होता है। आप जब एक हिप्नोटिज्म सीखते हो तभी आप बाकी सारे हिप्नोटिज्म का ज्ञान आपको अपने आप आ जाता है उसमें, क्योंकि ये तीनों भी एक मिक्स से कनेक्टेड है। आपको एक चीज आई कि दूसरी चीज आएगी, दूसरी चीज आएगी आपको तीसरी चीज आएगी। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको मैं तीसरी चीज सिखा दूंगा, डायरेक्टली आपको तीसरी चीज सिखा दी, ऐसा नहीं होता है। कभी भी स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ता है, इसलिए ज्ञान हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको क्लास में बताई जाती है कि किस तरह से क्लिनिकल, सेल्फ और स्टेज हिप्नोटिज्म किया जाता है, ये आपको सिखाया जाता है। और आप क्लिप भी देख रहे हो कि क्लास में किस तरह से पढ़ाया जाता है। यदि आपको हिप्नोटिज्म, मैग्नेटिज्म, मेस्मरिज्म सीखना है तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल कीजिए, और कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हो, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। धन्यवाद। तो इस तरह से जैसा सेल्फ हिप्नोटिज्म, अभी टाइप्स ऑफ हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिज्म के प्रकार कितने हैं? प्रकार है, एक है सेल्फ हिप्नोटिज्म जिसको स्व सम्मोहन कहा जाता है, एक फैमिली ट्री होता था ना, जो हम जो 10वीं क्लास में बनाते थे कि हमारे दादाजी, फिर उनके उनके बच्चे पैदा हुए, फिर दो का अंकल हो गए, फिर उनके हो गए, फिर उनकी पत्नी, फिर उनके बच्चे, ऐसा जो एक फैमिली ट्री जो हम जो बनाते थे वही फैमिली ट्री यहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे सेल्फ हिप्नोटिज्म आ गया, यहाँ से ये एरो निकल गया, यहाँ पे हेट्रो आया यानी कि अदर आ गया, अदर यानी कि दूसरों को कर रहे वो, उसके बाद में ये क्लिनिकल हिप्नोटिज्म आता है इसके अंदर में, फिर आता है स्टेज हिप्नोटिज्म आता है। अब देखिए इसके अंदर में क्या है कि क्या क्या करने से क्या क्या होगा। जैसे कि हेट्रो में सजेस्टिबिलिटी आएगी और ईस्टर्न हिप्नोटिज्म आएगा, यहाँ पे ईस्टर्न का प्रयोग भी कर सकते हो। सजेस्टिबिलिटी टेस्ट आपको चेक करना ही करना है, उसके बगैर आप आगे जा नहीं सकते, जैसा मैंने आपको जब भी बताया था। उसके बाद जैसे क्लिनिकल हिप्नोटिज्म में देखो क्या कर सकते हो। सेल्फ पे देखिए, यहाँ पे पीएमआर मैंने बताया था, आमतौर पर जो भी सिखाया जाता है जितने भी क्लासेस होते हैं कहीं पे, वहां पे पीएमआर ही सिखाया जाता है। शांत बैठे रहो, फलाना करो, पैरों से लेकर माथे तक ऐसा आप सोचो, यही सिखाया जाता है, उसी के क्लासेस रहते हैं, बाकी आगे का कुछ नहीं बताते उसमें। तो ये इसको पीएमआर बोला जाता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन सेल्फ हिप्नोटिज्म में होता है, क्लिनिकल में भी इसका ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्लिनिकल में पीएमआर, ईस्टर्न, ये दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके बाद में यहाँ हीलिंग भी होती है, पास्ट लाइफ भी होती है, एज रिग्रेशन भी होता है, ये सारी चीजें यहाँ होती है। रही बात सजेस्टिबिलिटी, तो यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिक्वायर नहीं है, अगर हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं गिरता है। और इसके बाद आता है यहाँ स्टेज हिप्नोटिज्म। तो स्टेज हिप्नोटिज्म में ऐसा है कि स्टेज हिप्नोटिज्म में आप देखोगे तो एंटरटेनमेंट के लिए काम में आता है। आप जैसे एंटरटेनमेंट करते हो, जैसा आपने देखा है कि कोई मिर्ची खिला दी तो उसको गाजर, उसको लगता है गाजर है, गाजर खिलाओ तो मिर्ची लगती है। ये जो ऐसे स्टेज के लिए, जो फन के लिए जिसको कहा जाता है यानी मजाक के लिए, वो यहाँ पे होता है स्टेज हिप्नोटिज्म में। यहाँ पर भी ये सजेस्टिबिलिटी बहुत अहम मायने रखती है, इधर से भी ज्यादा मायने यहाँ पे रखती है ये सजेस्टिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि अगर ये नहीं है तो ये प्रोग्राम ही नहीं हो सकता, ये प्रोग्राम ही गया काम से, ये बहुत मायने रखती है सजेस्टिबिलिटी टेस्ट। और यहाँ पे इरिक्सन मेथड आती है, जो मैंने आपको जब भी बताया था कि इरिक्सन ने किस तरह से मेथड निकाली थी, किस तरह से इरिक्सन मेथड का इस्तेमाल करके हिप्नोटिज्म किया जाता है, किस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं, क्या जाते हैं, ये सारा मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पे भी इरिक्सन आता है, यहाँ पर इरिक्सन नहीं आता, लेकिन यहाँ इरिक्सन नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ वो हिप्नोटिस्ट ही काम कर रहा है सब कुछ, वो इरिक्सन मेथड की इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और स्टेज हिप्नोटिज्म ऐसा, इसका कोई एकदम क्लास नहीं होता ऐसा, जब तक आप ये नहीं सीखते, आप अगर ये सीख गए, ये सेल्फ सीख गए, उसके बाद क्लिनिकल सीख गए, तो क्लिनिकल सीखे तो अपने आप आपको हेट्रो आता, क्लियर, अपने आप आपको स्टेज हिप्नोटिज्म भी आ जाता है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं इसके मैं क्लासेस लेता हूँ हिप्नोटिज्म के, स्टेज हिप्नोटिज्म के, तो गलत है। पहले आप में डेरिंग तो होना चाहिए, डेरिंग कहां से आएगा, उसके लिए पहले डेरिंग चाहिए, डेरिंग पैदा होगा फिर आप स्टेज पे जाओगे, लेकिन भाई साहब आपको पहले ये बाकी चीजें तो आना चाहिए। तो इस तरह से, तो समझ गए नंदन जी आप, बिल्कुल। तो आप एक इसको पूरा लिख लो और जो समझ में ना आए मुझे पूछो,
आपने लिखा आप भी लिख लो।